हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो अभी मैं पासीघाट में है और ये एक भैया का साथ रेंज में बैठ रहा था, भैया जो अभी नहीं है। तो इसलिए आज बहुत दिन का बाद, यहाँ मतलब बहुत दिन से बैठ रहे ना, जब से आए तब से बैठ रहे हैं, क्योंकि मेरा तो हॉस्टल मिल गया पर हॉस्टल में खाना नहीं दे रहा है। तो एक दो तारीख से देगा बोला पर भी नहीं रहा, आज 3 तारीख है तो आज देगा बोला, इसलिए आज जा रहा है हॉस्टल। और ये भाइयों को भी बहुत थैंक्स है, क्योंकि इतना दिन दूसरा जगह में हमको इतना दिन साथ में बिताया ना, बिताने दिए इसके लिए। तो अभी हम लोग सामान शिफ्ट करेगा, सामान ये भैया का रूम से सामान ले जाएगा अभी हम लोग, और सामान सब रेडी हो गया है। और साथ में है बोकाता जी, इसको भी मिलाते हैं। ये है बोकाता जी, अभी अब मेरा सामान ले जाएगा, रेडी है ना ब्रो जाने के लिए? एकदम। अच्छा ठीक है चलो। ये है शिवो कुरुम बोकाता जी, ये पूरा कच्चा रोड जगह में है और हाईवे ऊपर में है, तो यहाँ से हम लोग जाएगा ऊपर। ये है मेन रोड और ये है हमारे स्कूल बोलते हैं कॉलेज का गेट, जेएनसी कॉलेज का गेट है, मेन गेट। गेट यहाँ पर है पर कॉलेज यहाँ पे नहीं है, कॉलेज बहुत दूर में। वेलकम टू जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट। कब हुआ था ये स्थित? 1964, इतना साल हो गए, इसलिए बोलते सबसे पुराना कॉलेज है। ये है बोकाता जी, क्या सामान हैवी है? हल्का हल्का हैवी होती जा रहा है, हल्का हल्का हैवी होती जा रहा है मतलब। और ये मेरा पार्टनर को ले जा रहे हैं गिटार, इसका बिना तो मेरा जिंदगी अधूरा है, मेरे गिटार का बिना। यहाँ पे दो रास्ता है, ये जो नीचे वाला जो यहाँ से रोइंग तंबुक और बाकी जितना भी पासीघाट से उतना आगे उस तरफ आगे है, सब यहाँ से जाता है। और यहाँ से है जेएनसी कॉलेज का रास्ता, ये इसके लिए अलग से हाईवे बना दिया है। नीचे वाला रास्ता से रोइंग तेजू हर जगह यहाँ से ही जाता है। अभी बहुत ही गर्म है, धूप भी नहीं है, पासीघाट डायरेक्ट असम जैसी है ना, प्लेन होके यहाँ का मौसम एटमोसफियर बहुत ही ज़्यादा गर्म है, प्लेन एरिया होने का कारण। अब यहाँ पे आएगा ना तो जेरोक्स ये सब करने के लिए, ये पास में ही है, ये जो लाल वाला दिखाई दे रहा है ना उधर जेरोक्स ये सब होता है, और अंदर में कैंटीन, ये ऑडिटोरियम का कैंटीन लोग है जेएनसी के लिए, क्योंकि यहाँ से मार्केट 4 किलोमीटर समथिंग ऐसे कुछ मेन मार्केट, जो बहुत दूर जाना पड़ता है इसलिए। अभी पहुँचने वाला है हम लोग का कॉलेज, मतलब कॉलेज नहीं कॉलेज का हॉस्टल, हाँ यहाँ से आप देख सकते हैं ये दो रास्ता है, यहाँ से घूम के वो कॉलेज का तरफ जाते हैं और यहाँ से उस तरफ पील है यहाँ का ग्राउंड, और आगे में कॉलोनी है। ये जेएनसी का ऑडिटोरियम है यार, बहुत है भी है। मेरा ट्रोली यहाँ से जगह क्यों नहीं जाएगा? अरे तो भाई यहाँ पे फुटबॉल चल रहा है, ये सोलूम के लिए फुटबॉल, जैसे हम लोग सीधो नहीं इस लगले होते हैं ना मोपिन ये सब, इसके लिए कंपटीशन होते हैं उसके कारण ये भी अलग है। ये है ऑडिटोरियम जेएनसी का अलग से, और यहाँ पे है हम लोग का बॉयज़ हॉस्टल उस साइड में भी, यहाँ में अलग अलग है। मेरा जामे है मटमूर जामो हॉस्टल, वो आगे में दाई हेरिंग है, उससे पीछे में तालुम रुकबो, और वो आगे वाला लुमर दाई गर्ल्स हॉस्टल, वो लास्ट में जो दिक्कत दे रहे हैं थोड़ा एक दो बिल्डिंग दिक्कत दे रहे, वही ग्राउंड यहाँ पे बास्केटबॉल खेलते हैं। हॉस्टल का बाहर में इतना किचर, हाँ वो वाला। ये है ग्राउंड, ये है मटमूर जामो हॉस्टल, कूल।
एंटर करते हैं यहाँ से ऊपर में ना, ये हॉस्टल का अंदर है, यहाँ में अमीर वाला गाड़ी लेके है और बहुत ही गंदा है ये जगह। लकी मेरा रूम ऊपर में, फर्स्ट फ्लोर में है हम लोग का रूम। उस साइड में भी रूम बहुत है और इस साइड में भी, ये है बाथरूम टॉयलेट रूम सब मिला के। नीचे बहुत ही गंदा है और सब सीरियल नंबर है। मेरा रूम का नाम सीरियल नंबर 34। कभी दिन घूमने आओ। ये है हम लोग का रूम, यहाँ में एक रूम में दो आदमी बैठते हैं। चप्पल बाहर में रखो। बहुत हार्ड। ये है बाहर और हम लोग का खाना खाने जगह यहाँ पे है। ये वाला किचन है हम लोग सबका, और ये वाला जो लुमरदाई का है, ये वाला खाना सब्जी तो प्रिय है। ये एक भैया का है, तुम लोग इसका सांग है, हमसे सीनियर है और वो सेकेंड ईयर भी है। और मेरा बेड यहाँ पे है। फाइनली रूम में आ गया है अभी, तो अभी से यहाँ में रहना पड़ेगा। खाना पीना इतना खास नहीं है बोल रहा था, पर बाद में दिखाएगा एक बार समय मिलेगा तो खाना का भी एक अलग से ब्लॉग बनेगा। यहाँ का पंखा बहुत तेज है रे, एकदम चकास। यहाँ में खाना सुबह को एक बार देते ना, 7:30 या 8 बजे को एक बार देते हैं, और दिन में 1-2 बजे को और एक बार देते हैं, और रात के लिए खाना नहीं है। तो इसलिए हम टिफिन लेकर रखा था रात के लिए, मतलब सुबह को दिन और रात के लिए एक साथ लेकर के। ये है मेरा टिफिन, टिफिन है गिलास चम्मच प्लेट, इतना माया वाला प्लेट लेकर रखा है। ये है मेरा तकिया, तकिया तो बोलते हैं ना पिलो, मेरा तकिया है। और ये मैट्रेस बहुत दाम था, ये तो मेरा सामान नहीं है, तो तुम नस्त भैया के पास गैस कुकर सब कुछ है। ये भी है, ये भी बकेट भी दो लेके आया, हम भी एक लाया था, मेरा बकेट कहाँ गया। ये है मेरा प्यारा वाला बकेट, कपड़ा धोने के लिए काम आएगा। तो हॉस्टल का थोड़ा घूम के दिखाते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर का व्यू है मेरा, ऊपर में है। यहाँ में सुना है कपड़ा बहुत चोरी होता है, अभी देखे सब लोग बाहर में तंगा कर रखा हुआ है। सब में रूम है, ये बहुत ही ज़्यादा गंदा है। ये शायद सीनियर लुक किया है लास्ट टाइम का, जो सेकेंड ईयर और लास्ट ईयर पहने वो लुक किया है, पता नहीं ना गंदा क्यों किया होगा लेकिन इसका। और ये नीचे ग्राउंड का बाथरूम बहुत ही ज़्यादा गंदा है, पानी देखो। और ये अमीर लुक, एकदम FG बाइक, बुलेट, पल्सर, एंट्रोक। ये दूसरा साइड वाला रूम लोग है, यहाँ में भी सेम है, वैसे ही पूरा हर चीज़। और यहाँ से और एक सीढ़ी है, और ये मेन गेट रात को ये टाइम से बंद और खुलता है। यहाँ में हमको तो हॉस्टल मिल गया, पर बोकाता जी को नहीं मिला है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो गया ना, हम लोग कॉमर्स में तो थोड़ा कम है ना, इसलिए मिल गया, पर आर्ट्स में बहुत ज़्यादा है, इसका कारण नहीं मिल पाया। यहाँ का टाइम सुबह को 5 बजे खुलता है गेट जो, और शाम को शायद 10:30 बजे को बंद हो जाता है, इसलिए टाइम, इसलिए रात को ज़्यादा लेट भी नहीं मिलता। हॉस्टल टाइम अपना मर्जी आना जाना कर सकते, कोई बोलने वाला नहीं। तो जी इसको तो रेंट नहीं मिला है, अरे रेंट मिलते हॉस्टल नहीं मिला है, रेंट मिल गया ना, पर स्टूडेंट आर्ट्स में बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए नहीं मिल पाया। हम लोग कॉमर्स में तो बहुत कम है, इसलिए हमको भी जैसे तैसे मिल गया, लकी से मिल गया। यहाँ में अलग रूम है शायद, यहाँ में अभी तक कोई शिफ्ट नहीं हुआ है। और यहाँ से जाएगा तो ऊपर फ्लोर है,
ये हम लोग का यहाँ का टेरेस है, हॉस्टल का टेरेस। कॉलेज वो उधर में अब दिखे दे रहा होगा, उधर में दो नेटवर्क टावर है ना, उस वहाँ में उसमें से प्लेन है ना, बाद में उसके लिए अलग से ब्लॉग बनाएगा। ये अलग हॉस्टल है, ये एयरपोर्ट तो बहुत ही बड़ा है। और नीचे में बड़ा सा फुटबॉल चल रहा है, ग्राउंड है। वाह, पहना किचन में खेल रहे। ये वाला हम लोग का पड़ोसी वाला हॉस्टल है, ये भी जेंसी का ही है। ये इसका नाम क्या था, डाइंग एयरिंग हॉस्टल। ये भी बॉयज के, और यहाँ में बाकी लोग प्रशिप्त हो गया लग रहा है। हॉस्टल का टेरेस तो बहुत ही बड़ा है। सो गाइस, आप लोगों को मेरा हॉस्टल तो दिखाई दिया, और आई होप आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देना, पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर देना। फिर भी मेरा तो काम ही है ना, ये आप लोगों को बताते जाना कि मेरा लाइफ में क्या होते जा रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही मेरा वीडियो, आज का वीडियो बनाने का मतलब ये था। पूरा पानी पानी है ना, बहुत स्लिप है, इसलिए कॉलेज का वीडियो बाद में और एक बार बनाएगा, कि अभी तक हम भी अच्छा से पता नहीं ना कॉलेज का कौन कौन सा रूम काम है, कौन सा क्लास काम है होता है। हमको मेरा आधा क्लास तो मिल गया, लेकिन मेरा जेनेरिक और जेनेरिक इकोनॉमिक्स है और इंग्लिश कंपलसरी, ये दोनों को क्लास अभी तक में नहीं मिल रहा ना। दो दिन हो गया ढूंढने वाला, फिर भी नहीं मिल रहा है। देखिएगा, ये हमें सैटरडे संडे को क्लास नहीं होता है, तो आज सैटरडे है, तो बाद में मौका मिलेगा तो फिर से अच्छा से ढूंढेगा। और क्लास तो अच्छे से चल रहा है अभी हम लोग का, तो आज यहाँ पे शिफ्ट होगा। रात को शायद करना नहीं मिलेगा, शायद ये नीचे में एक सीनियर है, भैया लोग है, शायद उन का साथ आज रात के लिए खाना पड़ेगा लग रहा है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना। टेक केयर, बाय।